हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल एच एस वी हर्मन स्टडी व्लॉग टूडे वी डिस्कस द टॉपिक मिटोसिस एंड मियोसिस सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डिफरेंस एंड ऑल्सो द सिमिलैरिटीज ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस बट फर्स्ट स्टार्ट विद डिफरेंस सो इन मिटोसिस फोर स्टेजेस इन टोटल तो मिटोसिस में कितनी स्टेजेस होती हैं फ़ोर बट इन मियोसिस एट स्टेजस इन टोटल और मियोसिस में कितनी होती हैं एट स्टेजेस इन मिटोसिस हैपन इन सोमैटिक सेल तो किस में हैपन होता है ये सोमैटिक सेल सोमैटिक सेल एक ऐसा सेल होता है बॉडी का जो एक्सेप्ट करता है स्पर्म को और एग सेल को और जो म्योसिस है वो हैपन होता है जर्म सेल में तो जर्म सेल एक बायोलॉजिकल सेल होता है दैट गिव राइज टू गैमीट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम जो आगे रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली मिटोसिस परपज इज सेलुलर प्लोरीफेरिटेशन तो इसका पर्पज़ क्या है सेलुलर प्लोरीफेशन प्लोरीफाइटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन मियोसिस पर्पस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मियोसिस का पर्पज़ क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं देन इन मिटोसिस प्रोड्यूसिस टू डिप्लोड डोटर सेल तो मिटोसिस में टू डिप्लोएड डोटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और म्योसिस में फोर हाप्लोएड डोटर सेल प्रोड्यूस होते हैं इन मिटोसिस क्रोमोजोम नंबर रिमेन द सेम इसमें जो क्रोमोजोम नंबर है वो सेम रहता है बट इन म्योसिस क्रोमोजोम नंबर इज हाफ्ड इन ईच डोटर सेल इसमें क्या होता है हर एक डोटर सेल में जो क्रोमोजोम का नंबर है वो हाफ्ड हो जाता है इन मिटोसिस जेनेटिक वेरिएशन डजेंट चेंज जिसमें जेनेटिक वेरिएशन चेंज नहीं होती बट इन म्योसिस जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज इसमें जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होती है सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड म्योसिस देन द सिमिलैरिटीज ऑफ मिटोसिस एंड म्योसिस आर दे बोथ प्रोड्यूस न्यू सेल ये दोनों ही न्यू सेल प्रोड्यूस करती हैं दे बोथ हैव सिमिलर बेसिक स्टेप दोनों के ही जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर होते हैं और दे बोथ स्टार्ट विद द सिंगल पेरेंट सेल ये दोनों ही सिंगल पेरेंट सेल से स्टार्ट होते हैं द नेक्स्ट मिटोसिस दिस अक्कर इन फोर स्टेजेस नेमली प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टेलोफेस सो ये फोर स्टेजेस में अक्कर होता है दैट इज प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टेलोफेस सो फर्स्ट इज प्रोफेस सो प्रोफेस में दिस प्रोफेस uh, में इंशली जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हो जाता है इंटू टू तो प्रोफेस में जो सेंट्रोसोम है वो टू में डिवाइड हो जाता है दो, जे जो दोनों न्यू uh, सेंट्रोसोम है ये मूव अवे हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से टू द टू एंड्स ऑफ द न्यूक्लियस तो क्या बना देते हैं टू पोल्स बना देते हैं देन मेटाफेस में क्या है जो न्यूक्लियर मैमरेन है अब वो डिसअपियर हो गई है जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को अरेंज करती हैं सेंटर ऑफ द सेल में और ये अटैच हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ देन एनाफेस इसमें क्या है जो क्रोमोजोम है अब वो डिवाइड हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स में जो ये टू ग्रुप्स हैं क्रोमोजोम के ये मूव अवे हो जाते हैं टू द पोल्स और अरेंज हो जाते हैं अराउंड द सेंट्रोसोम ठीक है पोल से मूव अवे हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं अराउंड द सेंट्रोसोम देन टेलोफेस टेलोसफेज में क्या है जो, जो सेल है, है, the है, है अब वो क्या हो रहा है नैरो हो रहा है एट द सेंटर टू फेसिलेट डिविजन ताजा वो डिविज़न कर सके और जो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है टेलोफेस में अब वो डिसअपियर हो चुका है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन अपीयर हो चुका है देन एट द एंड ऑफ टेलोफेज द सेल डिवाइड अब साइटोकाइनिस में क्या होता है इसमें सेल डिवाइड करता है सब जब एंड हो जाएगा टेलोफेस का देन सेल डिवाइड कर रहा है आल्सो जो uh, क्रोमोजोम है वो डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियस में जो डोटर सेल है ये ग्रो करते हैं एंड इन टर्न रिप्रोड्यूस बाय मिटोसिस इनको रिप्रोड्यूस करता है बाय मिटोसिस ड्यूरिंग मिटोसिस जो हर एक क्रोमोजोम है वो क्या होता है डुप्लीकेट होता है सो जो डोटर सेल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स को कंटेन करते हैं सो दिस इज मिटोसिस दिस अक्स इन फोर स्टेजेस नेमली प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टेलोफेज सो फर्स्ट प्रोफेस तो प्रोफेस में क्या है एंशली द सेंट्रोसोम डिवाइड इंटू टू तो इसमें क्या है जो सेंट्रोसोम है जो डिवाइड होता है टू में दिस टू न्यू सेंट्रोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टू द टू एंडस ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्मिंग टू पोल्स तो इसमें जो टू न्यू सेंट्रोसोम है वो मूव अवे हो जाते हैं फ्राम ईच अदर टू द टू एंड्स ऑफ द न्यूक्लियस तो क्या बना देते हैं टू पोल्स बना देते हैं देन मेटाफिस नाउ द न्यूक्लियर मैमर डिसअपियर इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मैमर डिसअपियर हो जाता है द क्रोमोजोम अरेंज दराउंड द सेंटर ऑफ द सेल तो जो क्रोमोजोम है वो अपने कर अरेंज करता है सेंटर ऑफ द सेल में दे गेट अटैच टू थ्रेड लेग स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोसोम तो ये किसके साथ अटैच करता है थ्रेड लेग स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोसोम के साथ अटैच करता है विच आर नाउ एट द टू पोल्स ऑफ द सेल द नेक्स्ट इज एनाफेज द क्रोमोजोम नाउ डिवाइड लोगेटोनली इन टू टू इक्वल पार्ट देन जो क्रोमोजोम है अब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोजोम मूव अवे टू द पोल्स एंड गेट अरेंज अराउंड द सेंट्रोसोम दैन जो ये टू ग्रुप्स हैं क्रोमोजोम के ये मूव अवे हो जाते हैं टू तो दोल्स पोल से एंड गेट अरेंज होते हैं अराउंड द सेंट्रोसोम देन टेलोफेस द सेल बिकम नेरोट द सेंटर टू फेसिलिट डिविजन अब सेल क्या हो गया नैरो हो गया सेंटर से टू फेसिलिट डिविजन द थ्रेड लेक स्ट्रेचर इसमें द न्यूक्लियर मैम अपियर अगेन न्यूक्लियर मैम अगेन अपियर कर गया एट द एंड ऑफ टेलोफेज द सेल डिवाइड देन जब एंड हो जाता है टेलोफेज का फिर क्या करता है सेल डिवाइड करता है आल्सो द क्रोमोसोम डिसअपियर इन टू द न्यूक्लियस तो इसमें क्या है जो न्यूक्लियस है जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया न्यूक्लियस में डिसअपियर हो गया द डोटर सेल ग्रो एंड इन टर्न रिप्रोड्यूस बाई मिटोसिस तो डोटर सेल क्या आप ग्रो कर गए है एंड रिप्रोड्यूस हो रहा है बाई मिटोसिस डरिंग मिटोसिस ईच क्रोमोजोम डुप्लीकेट तो मिटोसिस में क्या था इच क्रोमोजोम क्या था डुप्लीकेट था सो दोटरी सेल क्या कंटेन करते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम कंटेन करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द मिटोसिसन मिओसिस सो जो मियोसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये किसका प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का विच अकर्स इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन सो जो जो स्टेजेस होती हैं म्योसिस की टू स्टेजेस होती हैं म्योसिस वन एंड म्यूसिस टू तो so, ये टू स्टेज में टू फेसिस में कंप्लीट होता है सो so, फर्स्ट प्रोफिस वन इन प्रोफिस वन जो डुब्लीकेट क्रोमोजोम है वो ज्वाइन अप विद द पेयर तो so, ये डुब्लीकेट क्रोमोजोम है जो वो जॉइन होता है विद द पेयर फ्रॉम द अदर पेरेंट सो so, जो मदर का पेयर है वो बाइंड करता है फादर के पेयर के साथ और क्या बनाता है ग्रुप बनाता है टू क्रोमोसोम्स का जिसको हम क्या कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम सो so, एज ईच जो क्रोमोसोम है इज लाइन अप टू नेक्स्ट टू इट्स पार्टनर पेयर उसमें जो वन क्रोमेटेड है फ्रॉम ईच साइड गेट एंटेंगल्ड हो जाता है विद द कॉरस्पोंडिंग क्रोमेटेड फ्रॉम द अदर साइड उसने क्या बना लिया एंटेंगल्ड बना लिया जिसको हम क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर सो मेटाफेज वन में क्या हुआ जो क्रोमोसोम है अब वो अलाइन दम सेल्फ इन द मिडल ऑफ द सेल तो कहाँ आगे वो सेल के मिडल में आ गए देन एनाफेस वन द स्पैंडल फाइबर पुल द क्रोमोजोम अपार्ट टू ऑपोजिट एंड तो स्पैंडल फाइबर ने क्या, -क्या? किया क्रोमोजोम को पुल किया अपार्ट टू ऑपोजिट एंड्स देन टेलोफेज द सेल पेंचिस अ पार्ट इन द मिडल एंड द न्यूक्लियर मैम्बरन रिफॉर्म अराउंड द टू न्यू डोटर सेल सो सेल पेंचिस अ पार्ट इन द मिडल और जो न्यूक्लियर मैम्बर है उसने रीफॉर्म किया अराउंड द टू न्यू डोटर सेल दैट एंड ऑफ म्यूसिस वन तो यहाँ म्यूसिस वन जो था वो कम्प्लीट हो गया उसका एंड हो गया वो स्टार्ट विथ अवर रिकॉम्बाइंड डोटर सेल ईच स्टील विथ फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉम्बाइंड डोटर सेल जिनके पास अब फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है ईच बट जो स्पर्म और एग सेल्स हैं उनके पास ट्वेंटी सी थ्री क्रोमोजोम है सो वी नीड टू कट दिस सेल इन हाफ और जो प्रोसेस है इज एक्जैक्टली द सेम एज बिफोर एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नो डीएनए रेप्लीकेशन तो जो जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो एक्जैक्टली exactly सेम है जो हमने पहले किए बट इसमें क्या है कि इसमें डीएनए रेप्लीकेशन नहीं होती देन वी स्टार्ट स्ट्रेट विथ प्रोफिस टू प्रोदो तो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज टू से विथ क्रोमेटिन क्लम्पिंग अगेन टू फॉर्म क्रोमोजोम तो प्रोफेज टू में क्या होगा क्रोमेटिन क्लम्प करेगा ताकि वो क्रो, क्रोमोजोम बना सके देन मेटाफेज टू में ये अलाइन हो जाएगा इन द मिडल ऑफ द सेल एंड एन, एनाफेज टू में क्या होगा जो क्रोमेटिड है वो आर पुल्ड अपार्ट डरिंग एनाफेस टू बाई द स्पैंडल फाइबर तो एनाफेज टू में क्या है जो क्रोमेटेड है उनको पुल करेगा जो स्पेंडल फाइबर है वो क्रोमेटेड को पुल करेंगे अपार्ट देन टेलोफेज में क्या है पिंच द सेल टूगेदर विद फोर न्यू ग्रैंड डोटर सेल बिंग फोन तो टेलोफोज क्या करेगा सेल को पिंच किया टूगेदर देन उसने क्या रिफॉर्म किया न्यू फोर न्यू ग्रैंड डोटर सेल सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिस ऑफ मियोसिस दैन सी प्रोफेस वन द डुप्लीकेटेड क्रोमो ऑफजोम ज्वाइन अप विद अ पेयर फ्रॉम द अदर पेरेंट सो द मदर पेयर बाइंड विद फादर पेयर फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ टू क्रोमोजोम कोल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम सो जो डुप्लीकेट क्रोमोजोम है वो ज्वाइन अप हो रहा है विद अ पेयर फ्रॉम द अदर पेरेंट सो जो मदर का पेयर है वो बाइंड कर रहा है फादर के पेयर के साथ तो क्या फॉर्म किया अ ग्रुप ऑफ टू क्रोमोजोम जो क्या हुआ होमोलोगस क्रोमोजोम एज ईच क्रोमोजोम इज लाइंड अप नेक्स्ट टू इट्स पार्टनर पेयर वन क्रोमेटेड फ्रॉम ईच साइड गेट एंटेंगल्ड विद द कोरसपॉन्डिंग क्रामेटेड फ्रॉम द अदर साइड तो एंटेंगल्ड बनाना है ए क्रोमेटेड का एक साइड से और दूसरे क्रोमेटेड का दूसरे साइड से तो so, उन्होंने क्या बना लिया एंटेंगल्ड बना लिए इसको हम क्या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर देन मेटाफेज वन एज द क्रोमोजोम अलाइन दैम सेल्फ इन द मिडल ऑफ द सेल तो क्रोमोजोम अपने आपको अलाइन कर लेते हैं इन द मिडल ऑफ द सेल एनाफेस वन द स्पैंडल फाइबर पुल द क्रोमोजोम अ पार्ट टू ऑपोजिट एंड तो स्पैंडल फाइबर क्या करते हैं क्रोमोजोम को पुल करते हैं टू ऑपोजिट एंड टेलोफेज वन द सेल पिंचज अ पार्ट इन द मिडल एंड द न्यूक्लियर मैमबरेन रीफॉर्म अराउंड द टू न्यू डोटर सेल तो जो सेल पिंचज करते हैं पार्ट इन द मिडल और जो न्यूक्लियर मैमब्रेन है वो रीफॉर्म करता है अराउंड द टू न्यू डोटर सेल दैट द एंड ऑफ म्यूसिस फर्स्ट वी स्टार्ट अवर रीकम्बाइंड डोटर सेल ईच स्टिल विद फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम तो हम स्टार्ट करते हैं विद अवर अ रिकॉम्बाइंड डोटर सेल ईच स्टिल के पास फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं बट जो स्पर्म एंड एग सेल ओनली हैव ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम सो वी नीड टू कट दीज सेल्स इन हाफ बट जो स्पर्म और एग होता है उनके पास ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स होते हैं सो so, हमें ज़रूरत होती है वी नीड टू कट दी सेल इन हाफ द प्रोसेस इज एक्जैक्टली द सेम एज बिफोर प्रोसेसिंग सेम है एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नॉट डी एन एर एप्लीकेशन तो इसमें डी एन एर एप्लीकेशन नहीं होती विट विथ प्रोफेज टू हम प्रोफेज टू थे जो म्यूसिस का सेकेंड पार्ट है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं विथ क्रोमेटिन क्लम्पिंग अगेन क्रोमेटिन अगेन क्लम्प करता है क्रोमोजोम फॉर्म करने के लिए दे अलाइन इन द मिडल ऑफ द सेल डूरिंग मेटाफेज टू सो ये अलाइन होते हैं इन द मिडल ऑफ द सेल मेटाफेज टू में एंड क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट डरिंग एनाफेज टू बाई द स्पेंडल फाइबर तो एनाफेज टू में जो स्पेंडल फाइबर है वो क्रोमेटिड को क्या करता है पुल करता है टेलोफेज पिंच द सेल टूगेदर एंड विद फोर न्यू ग्रैंड डोटर सेल बींग फॉर्म तो टेलोफेज क्या करता है पिंच द सेल टूगेदर और फोर न्यू ग्रैंड डोटर सेल को फॉर्म करता है